हे वेलकम बैक विवियंस, स्वागत करता हूँ मेरे आपके नए वीडियो में। जी आज मैं बात करने वाले इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे नहीं, एक तरह से आप मान लीजिए कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में इसका जो है आंसर लिखेंगे एंड देन इसके बाद मैं इसका जो आंसर है वो मैं आपके कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। फिर आप उसमें से जी आप जिन बच्चों को जिन जिन क्वेश्चन में डाउट होगा उन क्वेश्चंस को आप लोग मुझे बता देंगे, फिर मैं उन क्वेश्चंस को पिक करके वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ जो है इसी क्वेश्चन के बारे बात करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज हम करेंगे एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी किसके ऊपर, आर्थ्रोपोडा के ऊपर। तो सोचो मैंने क्यों ना कुछ क्वेश्चन की सीरीज लाई जाए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके मेरे साथ साथ, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो क्वेश्चन नहीं हो सकता यार। तो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। आप मैं चाहता हूँ तो इसको आप दिखा सकता था, लेकिन मैं आप चाहता हूँ आप उसको सुनो ध्यान से, जरा मुझे इसका आंसर बताओ। तो साथ पे क्वेश्चन भी आएगा और फिर आपका आंसर भी आएगा, ठीक है? और फिलहाल मैं सुनने पर ध्यान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का इनमें से सबसे बड़ा फाइलम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मोलस्क, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, इनमें से कौन सा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है? मोलस्क, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। आपका जो भी आंसर है मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अदरवाइज आपको मेरा इंस्टाग्राम पता है विनय बायोलॉजी 11 और टेलीग्राम विनय बायोलॉजी, तो आप फटाफट आकर मुझे कहीं भी आंसर बता सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन वुड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो आर्थ्रोपोड का एक्सक्लूसिव नहीं है? ठीक है, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद क्रैक करना एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आंसर के तब बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ विंग, सेकेंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, थर्ड कंपाउंड आई एंड फोर्थ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये चार ऑप्शन है, बताने में से कौन सा एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। देन बात करता हूँ थर्ड ऑप्शन की, आर्थ्रोपोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माने आर्थ्रोपोड को पहचानते कैसे हैं। चार ऑप्शन देता हूँ, पहला है ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री एंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड बायलेटरल सिमेट्री एंड द पेयर ऑफ विंग्स, ठीक है, थर्ड एसिलोमेट एंड रेडियल सिमेट्री एंड फोर्थ एक्सोस्केलेटन मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड जॉइंटेड अपेंडेज। ये चार ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से किस फीचर के द्वारा हम पहचानते हैं आर्थ्रोपोड को। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द चूज इनकरेक्ट मैच। आपको इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है। पहला मैच लिखता है ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टर के साथ, सेकेंड लिविंग फॉसिल का मैच लिखता है ल्यूमुलस के साथ, थर्ड लिखता है वैक्टर का लूसीफर के साथ, एंड डी लिखता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट दैट इज एपिस, ठीक है, एपिस माने मधुमक्खी। तो चार ऑप्शन है और उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर मुझे सही से बता देंगे, कहीं से चीटिंग नहीं करनी, बस जो हमने क्लास में पढ़ा था लास्ट टाइम बस आपको उसी वीडियो को देख के अगर आप आंसर बता पाए तो बहुत बढ़िया है ना। देन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिविजिबल इन टू, माने जो उसकी जो बॉडी होती है इंसेक्ट की वो उसको डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट में। फर्स्ट ऑप्शन इज हेड थॉरिक्स एंड एबडोमन, सेकेंड ऑप्शन हेड ट्रंक एब्डोमेन, थर्ड सिफेलोथोरेक्स हेड एब्डोमेन एंड फोर्थ ट्रंक थोरेक्स एंड एब्डोमेन। चार ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप मुझे बता दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, इंसेक्ट्स जो जो गैस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए गिल्स, और बी है ट्रैकिया, एंड सी है स्किन, एंड फोर है लंग्स, है ना। तो यहाँ पे चार आपके सामने ऑप्शन है, जो आपको लगे आप बता दीजिए। देन व्हाट इज द कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेफ्रिडिया, सेकंड सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड सी क्लोज्ड सर्कुलेशन, एंड फोर्थ माल्फीजियन ट्यूब्यूल। दोनों में ऐसा क्या कॉमन है? तो क्या बोलूँ, ऑप्शन नेफ्रिडिया, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्लोज सर्कुलेशन एंड माल्फीजियन ट्यूब्यूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड इन, है ना, पहला है अर्थवर्म, सेकंड ह्यूमन, थर्ड कॉकरोच, फोर्थ रेप्टाइल। सो दीज आर द फोर डिफरेंट ऑप्शन जो हैं इस आंसर के, इस क्वेश्चन के। देन ब्लड कलर ऑफ आर्थ्रोपोड इज, ऑप्शन ए कलरलेस, बी रेड, थर्ड ब्लू, फोर्थ येलो। तो माने जो जो खून का कलर है आर्थ्रोपोड का वो क्या होता है वो पूछा गया है। देन 40 है माने जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड आर, माने जो जो आर्थ्रोपोड के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन ग्लैंड, सेकंड ग्रीन ग्लैंड एंड माल्फीजियन ट्यूब्यूल, सेकंड
आई मीन थर्ड नेफ्रिडिया एंड फोर्थ मालफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक, तो देखो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कराया, तो ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे कर ही डालोगे, आपके कुछ एक आध पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है जो हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करिए, जितना आपसे हो जाए उतना बढ़िया है, और लेकिन ज़रूरी क्या पहले पुराना लेक्चर देख लें, फिर आप ट्राई करें, और जो भी इसमें कुछ नए पॉइंट होंगे जो हमने क्लास में कभी कवर नहीं करे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी, आप जो है इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन साथ। जब तक सोच रहे हैं साधन रहे, देखते हैं नवीन वाला जी, टाटा वाशा बाय, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़े से समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता, ठीक से, ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको कनेक्ट देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है, आप 11वीं हैं 12वीं हैं डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्तों हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VVN, ठीक। तो VVNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।